सिक्स तो सही है। तुम्हारा स्थान कौन सा है विशाल? इस सेकंड स्थान ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए आप अपनी कक्षा में जिस नंबर पर बैठे हैं वही आपका स्थान हो गया है ना। अगर आप दूसरे नंबर पर बैठे हैं आपका स्थान दूसरा हो गया, आप तीसरे नंबर पर बैठे हैं आपका स्थान तीसरा हो गया, आप चौथे नंबर पर बैठे हैं आपका स्थान चौथा हो गया। लेकिन अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे करूं कि आप बताइए आपका नाम क्या है? प्रिंसी। क्या नाम है आपका? प्रिंसी नाम है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? विशाल। अब मैं आपसे यदि कहूं कि आपको यहां से पीछे बिठा दिया जाए तब क्या आपका नाम चेंज हो जाएगा? भाई यस और नो में जवाब दीजिए। नहीं। अगर मैं कृष्ण तुम्हें वहां से यहां बिठा दूं तब क्या आपका स्थान चेंज हो जाएगा? स्थान चेंज हो जाएगा, स्थान तो चेंज हो जाएगा नहीं, स्थान चेंज हो जाएगा ना। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि मंजीत मैं आपको यहां से उठाकर इधर बिठा रहा हूं तब क्या आपका नाम चेंज होगा या वही रहेगा? नाम वही रहेगा लेकिन क्या स्थान चेंज होगा? स्थान चेंज हो जाएगा, यानी जो आप जिस जगह पर बैठे हैं वही आपका स्थान है। आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ का स्थान आपका है, आप इधर आ जाएंगे जिस नंबर पर होंगे वह आपका स्थान बन जाएगा। लेकिन आपके नाम में परिवर्तन, आपके नाम में चेंजेस नहीं होंगे, नाम आपका वही रहेगा, आपका स्थान परिवर्तित हो जाएगा। तो आज हम आपको स्थानीय मान एवं अंकित मान के विषय में अध्ययन कराएंगे। स्थानीय मान जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपका स्थानीय मान स्थान आपका एक हो गया, आप पीछे पहुंच गए आपका स्थान चेंज हो गया, आप छठे स्थान पर पहुंच हो गए, आप इधर आ गए आप आठवें स्थान पर आ गए। अंकित मान, अंकित मान आप यहाँ आपका नाम मंजीत है, आपका नाम मंजीत रहेगा, आप यहाँ आ जाएंगे नंबर आपका चेंज हो जाएगा, स्थान आपका चेंज हो जाएगा लेकिन आपका नाम चेंज नहीं होगा। आप मंजीत हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर ही मंजीत रहेंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे वहां भी मंजीत रहेंगे। दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक स्थानीय मान और दूसरा अंकित मान। स्थानीय मान वह होता है जो किसी स्थान विशेष के आधार पर बनता है। यदि हम इसी को आप मैथ्स में आ जाएं तो किसी दी गई संख्या में स्थानीय मान वह मान होता है जो उस अंक का स्थान विशेष के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे यदि हम यहाँ पर लें एक संख्या हमने लिखी, बताइए मैं क्या लिख रहा हूं, संख्या बोलिए। पांच हजार पांच सौ तीस। इसमें ये जीरो इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? जीरो रहेगा, बिल्कुल ठीक है। इकाई का अंक इकाई के स्थान पर है, इकाई का अंक गुणा एक। यदि हमें इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालना है तब हम उस इकाई के अंक में एक से गुणा कर देंगे। इसके अतिरिक्त जब हम दहाई के अंक का मान निकालेंगे तब हम दहाई का अंक गुणा दस करेंगे। दहाई का अंक गुणा दस तो तीन का स्थानीय मान कितना हुआ? तीस हो गया। अब देखिए फाइव, फाइव किस स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक गुणा किसे करेंगे? सौ से। कितना हो जाएगा? पांच सौ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तीन का स्थानीय मान कितना? जीरो का स्थानीय मान कितना? जीरो। अब देखिए यहाँ पर फिर से पांच है तो पांच का यहाँ स्थानीय मान कितना हो जाएगा? हजार के स्थान पर है ना, हजार का अंक गुणा एक हजार, बिल्कुल सही है। कितना? पांच हजार, पांच हजार। अब देखिए यहाँ पर पांच है यहाँ भी पांच है लेकिन स्थानीय मान दोनों का चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्थान परिवर्तित हो जा रहा है। एक पांच सैकड़ा के स्थान पर है, दूसरा पांच
मान को जातीय मान भी कहा जाता है। बोलते जाइए, अंकित मान को क्या कहा जाता है? जातीय मान। अंकित मान को ही वास्तविक मान भी कहा जाता है। वास्तविक मान। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या वास्तविक मान। फेस को हिंदी में कहते हैं हम चेहरा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ से उठकर मंजीत को यहाँ से उठाकर उन्हें सुजान से स्थान पर बैठा दिया। मंजीत का स्थान तो चेंज हुआ लेकिन मंजीत का नाम चेंज नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही किसी भी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर है उस स्थान के अनुसार उसका मान परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि उसका मान वही रहेगा जो उसका खुद का मान है। जैसे यदि हमने लिखा है, बोलिए मेरे साथ में कितना लिखा है हमने? वास्तविक नाम, वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान या फेस वैल्यू क्या है, तो ये एक ही रहेगा। इसका अंकित मान चार ही रहेगा, इसका अंकित मान पांच ही रहेगा, इसका अंकित मान सात ही रहेगा। यानी किसी भी दी गई संख्या में जो अंक चाहे वो किसी भी स्थान पर है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो नाम उसका है वही नाम रहेगा। इसी बात क्लियर? ठीक, अब समझिए। एक संख्या हमने लिखी, पढ़िए जरा कितना लिखा मैंने? 6043। अब देखो यहाँ स्थानीय मान जीरो पर कितना रहेगा? जीरो का स्थानीय मान कितना होगा? जीरो का स्थानीय मान बताइए यहाँ किस स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। लेकिन जब हम देखो जीरो किस स्थान पर है? सैकड़ा। तो हम लिखेंगे यहाँ सैकड़ा का अंक गुणा सौ, यही लिखेंगे। उसके बाद सैकड़ा का अंक है यहाँ पर जीरो गुणा सौ। जब हम जीरो से सौ की गुणा करेंगे या सौ से जीरो की गुणा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा गुणनफल? जीरो। जीरो मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो का स्थानीय मान क्या है? जीरो ही रहेगा। यदि जीरो यदि हजार के स्थान पर आ जाएगा तो यहाँ पर भी जीरो का मान क्या रहेगा? जीरो। जीरो किसी भी स्थान पर आ जाए हमेशा उसका मान कितना रहेगा? जीरो ही रहेगा। इसी तरह से इसका अंकित मान कितना रहेगा जीरो का? वो भी जीरो ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर। अब देखिए एक ट्रिक, स्थानीय मान निकालने के लिए जब हमसे कोई कभी तुरंत जल्दी में हमें एग्जाम टाइम पर हमें स्थानीय मान निकालने हैं तो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके आगे जितने अंक हैं उतने जीरो लगेगा। जैसे दो का स्थानीय मान निकालना है, दो के आगे कोई जीरो नहीं है तो ये दो ही रहेगा, कोई अंक नहीं है ना। इसके बाद हमें चार का निकालना है तो चार के बाद में ये पहले कितने अंक है? दो। एक है ना, दो का अंक तो एक ही है तो ये कितना हो जाएगा? चार और एक जीरो लगा दिया। जीरो ये आपको पता ही है जीरो ही रहेगा। छह, छह के इधर कितने अंक हैं? एक दो तीन, तीन जीरो लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर। अब देखिए हमेशा चाहे स्थानीय मान पूछा जाए चाहे जातीय मान पूछा जाए जीरो का मान जीरो ही रहेगा। समझ गए? स्थानीय मान अपने स्थान विशेष के अनुसार प्रत्येक अंक का अलग होगा। अंकित मान जो उसका मान है, जो अंक है, जो उस अंक का नाम है वही उसका अंकित मान या वास्तविक मान या जातीय मान या फेस वैल्यू कहलाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अंकित मान किसे कहते हैं या जातीय मान भी पूछा जा सकता है, वास्तविक मान पूछा जा सकता है या फिर फेस वैल्यू भी पूछा जा सकता है।
आंसर चारों का एक ही होगा। इतनी बात क्लियर। चलिए एक्सरसाइज कीजिए।